दोस्तों, तुर्कमानिस्तान के कराकुम डेजर्ट में मौजूद डोर टू हेल यानी जहन्नुम के दरवाजे के बारे में आपने शायद ही सुना होगा, जहां पर 1971 से लेकर अब तक मुसलसल आग जल रही है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों का यही मानना है कि ये जगह तो जहन्नुम का दरवाजा है, जिसका दूसरा हिस्सा या फिर दरवाजा जहन्नुम में ही खुलता है। नाजरीन, ये जगह क्या वाकई में जहन्नुम का दरवाजा है? और अगर नहीं है तो ये आग आज तक बुझी क्यों नहीं? इसका जवाब तफसीलन जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में तुर्कमानिस्तान के हवाले से हम आपको बताएंगे वो तमाम फैक्ट्स जो कि आप अभी तक नहीं जानते हैं। नाजरीन, तुर्कमानिस्तान भी दूसरे सेंट्रल एशियन कंट्रीज की तरह एक लैंडलॉक कंट्री है, जिसकी कुल आबादी 6 मिलियन से भी ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल है, जिनमें से 99% लोग इस्लाम को जबकि 11% दूसरे मजाहिब के फॉलोअर्स हैं। दोस्तों, अगर यहाँ पर बसने वाली अकवाम की बात करें तो यहाँ की सबसे बड़ी आबादी तुर्कमन यानी तुर्कमानी कौम पर मुश्तमिल है। इसी वजह से ही यहाँ की ऑफिशियल जबान भी तुर्कमानी है, जो कि तुर्किक जबानों की ही एक शाख समझी जाती है। दोस्तों, तुर्कमानी कौम के अलावा यहाँ पर बसने वाली दूसरी अकवाम की बात करें तो उज़्बेक, रशियन या फिर कजाक अकवाम के लोग भी काफी तादाद में यहाँ की आबादी का हिस्सा है। व्यूअर्स, तुर्कमानिस्तान के लोग अपने कल्चर के साथ बहुत ही डीपली कनेक्टेड होते हैं, जिनमें उनकी रिवायती म्यूजिक और डांस वगैरह शामिल है, जबकि रिवायती लिबास के तौर पर यहाँ के लोग बकरी के चमड़े से बनी एक टोपी का इस्तेमाल करते हैं, जिसको टेलपेक कहा जाता है, जबकि एक खास किस्म का कोट पहनते हैं जिसको छप्पन का नाम दिया जाता है। व्यूअर्स, तुर्कमानिस्तान ने भी दूसरे सेंट्रल एशियन कंट्रीज की तरह सोवियत यूनियन से 27 अक्टूबर 1991 को आजादी हासिल की थी, और हर साल अपनी इस आजादी के दिन को बड़े जोशो जज्बे से मनाते हैं, क्योंकि इस दिन बड़े पैमाने पर मिलिट्री परेड्स का इनेकाद तो किया ही जाता है, लेकिन साथ साथ कल्चरल इवेंट्स का भी एहतमाम किया जाता है, जिसके लिए हजारों परफॉर्मर्स मुल्क भर से इस दिन के सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। नाजरीन, अशगबाद मौजूदा तुर्कमानिस्तान का कैपिटल सिटी है, और इस सिटी की खसूसियत यह है कि यहाँ के कंस्ट्रक्शन पर व्हाइट मार्बल का बेदरेक इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इस सिटी की हर बिल्डिंग और हर दीवार पर व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल नजर आएगा, इसीलिए तो इस सिटी को सिटी ऑफ मार्बल भी कहा जाता है, जबकि इसी खसूसियत की ही वजह से तो इस सिटी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। इसके अलावा नाजरीन, इसी अशगबाद सिटी में ही एक स्पेशल मोनूमेंट भी मौजूद है, जिसको न्यूट्रलिटी मोनूमेंट भी कहा जाता है, यानी यह मोनूमेंट तुर्कमानिस्तान की पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी को जाहिर करता है, जबकि इस मोनूमेंट की खास बात यह है कि यह एक जमाने में सूरज की तरफ रोटेट करता रहता था, लेकिन 2010 में हुकूमत की तरफ से इस मोनूमेंट को एक ही जगह में फिक्स किया गया। व्यूअर्स, तुर्कमानिस्तान के हवाले से हर वो बात अधूरी है जिसमें कराकुम डेजर्ट का जिक्र ना हो, क्योंकि तुर्कमानिस्तान का तकरीबन 80% रकबा कराकुम डेजर्ट पर ही मुश्तमिल है, और इसका शुमार दुनिया के सबसे बड़े डेजर्ट्स में होता है, जबकि यहाँ पर मौजूद जहन्नुम का दरवाजा इसकी अहमियत में मजीद इजाफा करता है। दोस्तों, जहन्नुम का दरवाजा दरअसल एक गढ़ा है, जहाँ पर 1971 से लेकर आज तक मुसलसल आग जल रही है, जिसकी वजह से लोगों की एक बड़ी तादाद इसको जहन्नुम का दरवाजा या फिर डोर टू हेल समझती है, लेकिन ये जगह कोई जहन्नुम का दरवाजा नहीं बल्कि एक नेचुरल गैस फील्ड है, और 1971 में बड़े पैमाने पर गैस खारिज होने की वजह से ही ये गड़ा बन गया था, और इस गड़े में मौजूद गैस की ही वजह से ये आग आज तक मुसलसल जल रही है। दोस्तों, कराकुम डेजर्ट के अलावा तुर्कमानिस्तान में पाई जाने वाली दुनिया की सबसे मशहूर घोड़ों की नस्ल भी इस मुमलिकत को मुनफरिद बनाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, दुनिया की सबसे कदीम घोड़ों की नस्ल भी तुर्कमानिस्तान में ही पाई जाती है, और ये घोड़ों की मुनफरिद नस्ल जो कि अकाल टक्के हॉर्सेस के नाम से मशहूर है, इस वक्त अपनी रफ्तार और स्टेमिना के लिहाज से दुनिया की सबसे बेहतरीन ब्रीड है। और नाजरीन, तुर्कमानिस्तान भी नेचुरल रिसोर्सेज यानी कुदरती वसाइल से एक मालामाल मुल्क है, क्योंकि तुर्कमानिस्तान में भी नेचुरल गैस और ऑयल के वसी जखायर मौजूद है, जबकि इस मुल्क का भी शुमार दुनिया के सबसे ज्यादा कुदरती गैस पैदा करने वाले ममालिक में होता है, इसीलिए इस कंट्री में सबसे बड़ा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन नेचुरल गैस की एक्सपोर्ट्स का है। और दोस्तों, नेचुरल गैस के अलावा तुर्कमानिस्तान में नमक की भी वसी झीलें मौजूद है, जहां से बड़े पैमाने पर नमक को निकालकर उसको इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है। इस तरह साल्ट इंडस्ट्री की भी तुर्कमानिस्तान की इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और व्यूअर्स, तुर्कमानिस्तान जो कि 80% सहरा पर मुश्तमिल है, अपने कॉटन प्रोडक्शन के हवाले से दुनिया भर में मशहूर है, क्योंकि कराकुम डेजर्ट के एक बड़े हिस्से को काबिले काश्त बनाया गया है, जहाँ पर सिर्फ कॉटन को ही कल्टिवेट किया जाता है। इन सब के अलावा नाजरीन, तुर्कमानिस्तान की इकोनॉमी में रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा यहाँ के टूरिज्म सेक्टर से भी आता है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद आर्कियोलॉजिकल साइट्स और कैस्पियन सी के साहिलों पर मौजूद रिजॉर्ट्स के अलावा कराकुम डेजर्ट में मौजूद रेगिस्तान, सुरुख पहाड़ और डोर टू हेल वगैरह इस मुस्लिम ममलिकत को भी ट्रेवलर्स के लिए एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाते हैं। उम्मीद है कि तुर्कमानिस्तान की ये जर्नी आपको जरूर पसंद आई होगी।
मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।